नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सही पढ़ा आपने थंबनेल में, कब्ज का स्थायी समाधान, कब्ज का स्थायी हल, कब्ज का पूरा सॉल्यूशन, वो भी घरेलू चीजों के द्वारा, है ना, जिसमें आपको वो बिल्कुल भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी उसे बनाने में, कूटने पीसने में या तैयार करने में, या फिर ज्यादा दवाइयां वगैरह आपको कुछ भी नहीं खाना। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। इससे आप कब्ज से पूरी तरह मुक्त हो चुके होंगे, कॉन्स्टिपेशन से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। जो लोग बहुत लंबे समय से इस चीज से परेशान हैं, उनके लिए ये अमृत है। जो लोग पाचन की दुर्व्यवस्था से परेशान है, चाहे वो कब्ज हो, चाहे गैस हो, चाहे भूख की कमी हो, चाहे पेट फूलना हो, चाहे खट्टी डकारें आनी हो, चाहे उल्टी होना हो, और चाहे कच्ची डकारें आती हो, चाहे मोशन ढंग से क्लियर ना होता हो, उनके लिए भी ये वरदान है। तो दोस्तों, यदि आप में धैर्य है, धीरज है इस वीडियो को पूरा देखने का, तो आप पूरी तरह अपने रोगों से मुक्त हो सकते हैं। और जिन व्यक्तियों में धैर्य हो वही इस वीडियो को देखें, नहीं तो अभी के अभी स्किप कर दें, और जिन व्यक्तियों में धैर्य होगा वो इस चीज को जरूर ठीक कर लेंगे और पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करता हूं कि कब्ज यदि आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहे, तो ये बहुत से रोगों का कारण भी होता है और बहुत से रोगों का लक्षण भी होता है। तो उतना विस्तृत मैं नहीं जाऊंगा, पर एक चीज याद रख लीजिए कि कब्ज यदि आपको बना रहता है तो बहुत से रोग आपके शरीर में घर कर जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आपको होने लगती हैं, तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिर्फ ये करना है कि शुरुआती तीन दिन आपको 2 चम्मच अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जो है, 1 कप गुनगुने दूध में मिलाकर आपको दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद पी लेना है। ठीक है, 2-3 दस्त लगेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मारक चीज नहीं है, आंतों में जमी हुई जो गंदगी है उसको निकाल देगा। रात में सोने के पहले भी ऐसा ही करिए, 1 कप गुनगुने दूध में 2 चम्मच अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, एरंड तेल मिलाकर पी लीजिए। ठीक है, दूसरे दिन 2-3 दस्त लगेंगे, लगने दीजिए, और ऐसा आपको 3 दिन तक करना है, केवल 3 दिन करना है। उतने में आपको बहुत हल्का महसूस होने लगेगा। उसके बाद आपकी जो डेली रूटीन रहेगी वो क्या रहेगी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, हल्की फुल्की एक्सरसाइज सुबह उठकर जरूर कर लिया करिए, यानी 15-20 मिनट आप एक्सरसाइज कर लें। रात में सोने के पहले 1 पाव गुनगुना पानी पीकर सोइए, और रात में एक ताबे के बर्तन में 1 पाव गुनगुना पानी रख दीजिए। सुबह उठिए, उसी ताबे के बर्तन में उस पानी को गर्म करिए और गुनगुना पानी उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर आप पी लीजिए। ठीक है, कुल्ला करने के बाद अब उसके 1 घंटे बाद आपको 1 सेव तथा 2 पपीते के इतने बड़े बड़े टुकड़े, लगभग इतने बड़े बड़े टुकड़े, इतने लंबे, इतने बड़े बड़े टुकड़े आपको खाना है साथ में, खाने के 1 घंटे बाद। ये जो आपने कुल्ला करने के बाद गुनगुना पानी पिया है ब्रश करने के बाद, उसके 1 घंटे बाद। अब जब आप खाना खाते हैं तो उसके 20 मिनट पहले आपको अदरक की छोटी छोटी सी कतरनें करनी है, उनमें थोड़ा सा काला नमक डालना है दोस्तों, और चबा चबा कर 5-10 मिनट उसको चबा लीजिए, उसका रस अंदर ग्रहण कर लीजिए, और जो उसकी पदार्थ बच जाए उसको भी खा लीजिए। उसके बाद आप खाना खाइए, आपकी जठराग्नि तेज होगी, खाना खाने पे ढंग से खाना पचेगा, और ढंग से पचेगा तो ढंग से उत्सर्जित भी होगा, यानी कब्ज की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब एक चीज ध्यान रखने की है कि खाने के तुरंत बाद आपको केवल 1 घूंट पानी पीना है, यदि नहीं पीते तो और भी अच्छा, और खाने के 1.5 घंटे बाद आपको 1 पाव गुनगुना पानी पीना है, और उसके बाद आप ठंडा पानी भी पी सकते हैं। तो ऐसा सुबह शाम आपको खाना है, ज्यादा मिर्च मसाला, खटाई, ज्यादा तेल की चीजें, मटर, बैगन, सहनी, भिंडी, मांसाहार, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, पार्टी फूड्स और बेकरी के आइटम्स आपको टोटली बंद करने हैं। मिर्च मसाला, खटाई वगैरह जो टोटली बंद नहीं कर सकते उसको कम कर दीजिए। आपको खाना क्या है, मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल, भाजी, अनार, पपीता, सेव, दलिया, बथुआ की भाजी, पालक, ये सब चीजें आपको खानी है, और साथ में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है दोस्तों। तो इतना यदि आप कर लेते हो, शुरुआती 3 दिन केवल अरंडी का तेल पीना है, उसके बाद ये जो मैंने रूटीन बताया आपको, सेव वाला, गुनगुने पानी वाला, ये और पपीते वाला, ये और अदरक वाला, ये यदि आप कंटिन्यू कर लेते हैं,
कुछ दिनों तक, यदि आपको कुछ ही दिन पहले कब्ज की शिकायत हुई है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, 2-3 दिन में ही ठीक हो जाती है। यदि लंबे समय का कब्ज है तो 1-2 महीने में ये पूरी तरह रोग खत्म हो जाता है। साथ में शरीर में बहुत ताकत आ जाती है, चुस्ती फुर्ती, उमंग और रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पपीता, सेव और अदरक ये शरीर में खराब चीजों को निकाल देते हैं शरीर से, और शरीर में विटामिन्स, शरीर में एंजाइम्स और हार्मोन्स के बैलेंस को अच्छा रखते हैं, तो अपने आप शरीर स्वस्थ हो जाता है, शरीर के अंदर बहुत ताकत आ जाती है। तो दोस्तों जरूर इसका प्रयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कब्ज रूपी समस्या से पूरी तरह मुक्त हो सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नुस्खे पाने के लिए, और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। मुझसे दवा बुलवाने के लिए यहां स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वीडियो के स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपनी सारी समस्या लिखकर एडवांस पेमेंट करके दवा बुलवा सकते हैं या अपने बजट के अंदर मुझसे पर्चा लिखवा सकते हैं। तो दोस्तों आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।